हाँ जी, क्या हाल है आप सभी मेल एंड फीमेल नाइटिंगल्स का? भविष्य के सभी आप नाइटिंगल्स हैं और नाइटिंगल्स जुड़ चुके हैं नाइटिंगल नर्सेज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फोबिया पार्ट 3। कौन कौन से फोबियाज हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका फोबिया हमारे मन से भग जाए, उसके लिए हम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए पार्ट 3। और जल्दी से हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 को। और फोबिया पार्ट 3 के अंदर हम जो सबसे पहला फोबिया पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल्यूरोफोबिया। उसे हम कौन सा फोबिया बोलते हैं? एल्यूरोफोबिया। और एल्यूरोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स। बिल्ली से अगर आपको डर लग रहा है तो वो फोबिया कौन सा होता है? एल्यूरोफोबिया होता है। एल्यूरोफोबिया यानी फियर ऑफ कैट्स। उसके बाद में एंटोमोफोबिया या इंसेक्टोफोबिया, जिसे हम बोलते हैं फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी आपको अगर चींटी से, आपको अगर मकोड़ों से, इनसे डर लग रहा है तो ये जो डर होता है उस डर को कौन सा डर बोलते हैं हम? एंटोमोफोबिया या इंसेक्टोफोबिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ये फियर ऑफ इंसेक्ट्स होता है। उसके बाद में गैमोफोबिया, गैमोफोबिया यानी फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर लगना, अपने आप में अंदर से शादी से डर लगने लगेगा तो उसे हम गैमोफोबिया बोलेंगे, या इसी को हम फियर ऑफ मैरिज के नाम से जानते हैं। तो फियर ऑफ मैरिज जो होती है वो गैमोफोबिया होती है। उसके बाद में ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के बीच में बोलने से डर लगना। आपको, आपके सामने कोई क्राउड है, 50-100 लोग खड़े हैं और वहां अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा फोबिया है? ग्लॉसोफोबिया है। नॉर्मली ग्लॉसोफोबिया 10 से 15 साल 20 साल की उम्र में सभी को होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और ग्लॉसोफोबिया से आप जो है वो बिल्कुल फ्री होते जाते हैं। तो ग्लॉसोफोबिया जो है वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। और गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन, और वुमेन से डर लगना, इंसान को अगर वुमेन से डर लगने लग जाए, महिला से डर लगने लग जाए तो उसे गाइनोफोबिया के नाम से जानते हैं। ये कुछ फोबियाज हुए। उसके बाद में एक फोबिया होता है जिसे बोलते हैं हेलियोफोबिया, और हेलियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द सन। अगर आपको सूर्य भगवान से डर लगने लग जाए, आपको सन से डर लगने लग जाए तो ये जो डर होता है वो कौन सा डर होता है? हेलियोफोबिया के नाम से जाना जाता है। इस डर को हम हेलियोफोबिया बोलते हैं। हीमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड। आपको ब्लड से डर लग रहा है, ब्लड आपके सामने कहीं गिर जाए तो आपको डर लगे, ब्लड निकालने में आपको डर लगे, आपको ब्लड को देखने में डर लगे, तो वो जो डर होता है उसको हीमोफोबिया के नाम से जानते हैं। हर्पिटोफोबिया, हर्पिटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, और आपको अगर सांप, छिपकली या गिरगिट, इन सबसे डर लग रहा है तो वो जो डर है वो कौन सा डर है? हर्पिटोफोबिया। जो भी रेप्टाइल्स हैं उनसे अगर आपको डर लग रहा है तो वो हर्पिटोफोबिया के नाम से जाना जाता है। होमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, और अगर आपको होमोसेक्सुअलिटी से या होमोसेक्सुअल लोगों से अगर आपको डर लग रहा है या होमोसेक्सुअलिटी से आपको डर लग रहा है तो ये जो फोबिया होता है वो कौन सा फोबिया होता है? होमोफोबिया। और होमोफोबिया जो है वो फियर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी कहलाता है, इसे होमोसेक्सुअलिटी का फियर बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया जो होता है उसे फियर ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। फियर ऑफ वाटर का मतलब हुआ कि यहां पर आपको पानी से डर लगने लग जाएगा, और हमें पता है कि रेबीज का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सा है, तो रेबीज का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो आपका हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया में हमें फियर ऑफ वाटर हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला जो फोबिया है वो आइट्रोफोबिया है। आइट्रोफोबिया का मतलब होता है आपको डॉक्टर से डर लगने लग जाता है, डॉक्टर के पास जाने से डरेंगे, डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर से डर लगना, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना और बार बार ये बोलना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो जो फोबिया होता है वो कौन सा फोबिया होता है? आइट्रोफोबिया होता है। उसके बाद होता है मेजिरोकोफोबिया, और मेजिरोकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कुकिंग, आपको कुकिंग से डर लगना, आप खाना बनाने से डरते हैं, आप कुछ भी बनाने से डरते हैं, कुकिंग करने से डरते हैं, तो उस फोबिया को हम बोलते हैं मेजिरोकोफोबिया। उसके बाद होता है मीजोफोबिया, और मीजोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट और जर्म्स, फियर ऑफ डर्ट और जर्म्स, यानी आपको डर्ट, आपको गंदगी से और जर्म से डर लगे, आपको गंदगी से और जर्म से डर लगे तो उसे हम कौन सा फोबिया बोलते हैं? मीजोफोबिया के नाम से उसको हम जानते हैं। और फिर होता है नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया, नेक्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया, और नेक्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, और आपको अगर डेथ से डर लगने लग जाए, आपको मरने से डर लगने लग जाए, उसे हम नेक्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया के नाम से जानते हैं। और नॉक्टिफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ नाइट, और अगर आपको डर लग रहा है नाइट से, अगर आपको डर लग रहा है नाइट से तो उसे हम नॉक्टिफोबिया के नाम से जानते हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फोबियाज पढ़े, जिसमें से सबसे पहला फोबिया हमने पढ़ा है हेलियोफोबिया, जो होता है फियर ऑफ द सन, हीमोफोबिया फियर ऑफ द ब्लड, हर्पिटोफोबिया फियर ऑफ द रेप्टाइल्स, होमोफोबिया फियर ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी, हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ द वाटर। उसके बाद में हमने पढ़ा आइट्रोफोबिया फियर ऑफ द डॉक्टर्स, मेजिरोकोफोबिया फियर ऑफ कुकिंग, मीजोफोबिया फियर ऑफ डट ऑर्गन और जर्म्स, नेक्रोफोबिया या थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ, और नॉक्टिफोबिया फियर ऑफ नाइट। आज की क्लास में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फोबियाज पढ़े। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी आपके लिए इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाती रहेगी। आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज के माध्यम से आप एग्जाम को क्रैक करने में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच।